Hey, good evening everybody. I am Dr. Ananya. I'm Dr. Vrishti. And I'm Dr. Disha. Welcome you here. Of course, we're going to talk about all the respiratory disease that we are going through. इतना सारा pollution हो रहा है दिल्ली में और हमने देखा भी है कि past 2 weeks से जो pollution बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली में बहुत smoke है and smoke की वजह से जो visibility थी वो भी बहुत low थी. So Delhi brace yourself because a thick layer of smoke is covering us and today we have reached AQI of 603, that is hazardous. And what is AQI? I will tell you. That is the air quality index and that measures how polluted the environmental air is. And if we compare it from Bangalore or Mumbai, Bangalore is 101, Mumbai is 52 and we are 602. So Delhi brace yourself. That's absolutely too much. I'm like, I really wanted you guys to know and of course you guys also to know that WHO already has declared Delhi as a major city who's actually getting worse day by day due to pollution. And this pollution is could be a reason of overpopulation because overpopulation causes overpollution. There could be another reason also. और हमने ये भी पाया कि pollution की वजह से लोगों को जो respiratory disease है वो भी बढ़ता चले जा रहा है. Alarmingly increasing. अगर हम adults की बात करें या हम बच्चों की बात करें, बच्चों में भी 50% जो lung damage condition जो है वो आजकल हम देख रहे हैं. And adults में भी हमने बहुत सारी respiratory disease, lung cancer की chances भी बढ़ते चले जा रहे हैं. And आज भी कई ऐसे patients हैं जिनको हम interact कर रहे हैं. ये जो last के 3 weeks हैं मैंने उसमें ये observe किया है कि asthma के cases भी बढ़ते चले जा रहे हैं. Tremendously. Right. So what do you think, Dr. Disha? So I would like to speak about asthma today. And asthma basically a condition होती है जिसमें कि हमारा airways के में swelling होती है और inflammation होता है. जिसकी वजह से हमें जो breathe करते हैं हम उसमें difficulty feel होती है. Okay. And उसके जो बहुत ज़्यादा symptoms increase होते हैं, तो it can lead to chest pain also and severe coughing also. Okay. So हमें इसके लिए क्या precautions लेने चाहिए? मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी. अगर आपको इनिशियली ऐसा लग रहा है कि आपको कोल्ड एंड कफ इनिशियल शुरू हुआ है और उसके साथ आपको फीवर हो रहा है या फिर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि सबसे पहले हमारे पास जो भी नियरेस्ट हमारे पास मेडिकल शॉप्स हैं या कि हॉस्पिटल्स हैं वहां से हमें N99 एंड N95 हमारे पास दो मास्क होते हैं. हम उन्हें परचेज करके एटलीस्ट हम जब भी बाहर जा रहे हैं लाइक अपने ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हैं या अपने हाउस होल्ड थिंग्स के लिए जा रहे हैं तो वी कैन यूज इट ऑन द रेगुलर बेसिस. एंड हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ चीज अवॉइड कर सकते हैं. लाइक अगर हम बाहर जा रहे हैं या फिर हम ओपन जिमिंग प्रेफर करते थे पहले, तो अभी आजकल जो एनवायरमेंट है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए. विल ट्राई टू गेट इट डन बाय होम ओनली. ठीक है, बाहर अवॉइड करेंगे, मास्क यूज करेंगे परमानेंट एंड हम अपना जो भी डाइट है उसमें वाइटामिन सी डाइट थोड़ी सी ज्यादा लेंगे. एंड हम कोशिश करेंगे कि फ्लूइड्स हम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लें बिकॉज मोस्टली जो कफिंग होती है वो हमारा थ्रोट ड्राई होता है उसकी वजह से होता है. Right. So we'll try to take fluids more, either it is juices or normal water. Hydrate. And दूसरी चीज ये है कि अगर हमें और ज्यादा increased symptoms लगते हैं, हमें breathing में बहुत ज्यादा issues होते हैं, तो किसी भी पल्मों के डॉक्टर को nearest hospital में हम approach कर सकते हैं. Reason is अगर हम नहीं approach करते हैं तो बहुत severe difficulty हो सकती है, हमें कभी hospitalized भी होना पड़ सकता है. तो हमें इस चीज को इनिशियली अवॉइड नहीं करना चाहिए एंड हमें टाइम टू टाइम इस चीज का फॉलो अप या फिर ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए. एंड सेकेंड थिंग जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमारा 2 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है तो हम सिर्फ पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर के पास लेकर जाए. हम उसको भी पल्मों के किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेरीज आती है उनका ये प्रॉब्लम होता है कि मैम हमारा बच्चा है तो हम उसको पीडियाट्रिक्स को ही दिखाएं या पल्मों के डॉक्टर को दिखाएं. किसी किसी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक्स पल्मों भी अवेलेबल है बट हम अपने पल्मों के डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं. एंड अगर हमारा ऑनगोइंग पहले से ट्रीटमेंट है लाइक हम इनहेलर्स पे हैं या किसी एंटीबायोटिक पे हैं, तो आई विल प्रिफर कि वो सब हम साथ में कैरी करें जिससे कि कोई सीवियर एस्थमेटिक अटैक हमें आता है तो एटलीस्ट वी कैन हैव इट एट दैट टाइम. Right, and during describing about asthma, you just mentioned cold and cough. Right. So I really want audience to know about. So basically, cold and cough एक तरह का viral infection होता है जो कि sore throat के symptoms के साथ शुरू होता है और usually ये 1 week के अंदर खत्म हो जाता है. लेकिन अगर ये cold and cough का symptom आपको fever के साथ continue हो रहा है और आपको 102 and 103 fever होता है, so you should consult a doctor for sure. एंड कोल्ड एंड कफ की जो प्रॉब्लम होती है बेसिकली कभी कभी उसमें सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, रनिंग नोज की प्रॉब्लम होती है और
कई बार ऐसा देखा गया है कि स्पेशली बच्चों में कि कोल्ड एंड कफ की वजह से उनको फीवर या ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी हो जाती है. सो अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए. अगर बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज पीडियाट्रिशियन को दिखाइए. अगर आपको ड्यूरिंग दिस सिम्टम्स प्रॉब्लम होती है डॉक्टर चुनने में कि आपको कौन से डॉक्टर को किस स्टेज पे दिखाना चाहिए, सो आप 8010994994 पे कॉल करके हमारे मेडिकल एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं. हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको असेस करेंगे कि कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी डॉक्टर को चूज करने में. ऑल्सो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि वो पेशेंट जिनको कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है, अक्सर ऐसा होता है कि क्योंकि आपको कफ हो रहा है, आपको कोल्ड है, तो आपको स्नीजिंग बहुत बहुत कॉमन है और ये बहुत ही कम्युनिकेबल डिसीज है क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है. सो यूजुअली जब भी आप छींकते हैं या आप खांसते हैं, डोंट यूज योर बेयर हैंड, क्योंकि उससे क्या होता है, आप ये जो वायरल इन्फेक्शन है उसको बढ़ा रहे हैं. सो ईदर यू कैन यूज अ टिश्यू और एन हैंकी, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब भी आप छींकते हैं या खांसते हैं अपने फेस को एल्बो से कवर करें, तो उससे क्या होगा, आपका ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होने से रुकेगा. ओके, इसके अलावा भी अगर आप फीवर से हैं और 3 दिन से ज्यादा हो चुका है और आपका कोल्ड और कफ क्योर नहीं हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. एंड ऑल्सो मैंने ये भी देखा है कि चूंकि कुड बी अ रीजन ऑफ पोल्यूशन और कोल्ड कफ की वजह से भी कभी कभी बर्निंग आईज की भी प्रॉब्लम होती है, और ये भी बहुत देखा गया है इस बीच में. इनफैक्ट अभी जब इतना पोल्यूशन था दिल्ली में पास्ट 2 वीक्स में, इनफैक्ट आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम. सो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर दिशा, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस बर्निंग आईज एंड सेंसेशन? वेरी नाइस क्वेश्चन डॉक्टर अनन्या, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है. बेसिकली लोगों को सबसे ज्यादा जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो आईज में इचिंग या इरिटेशन की वजह से ही शुरू हुआ था. तो लोगों को ऐसा लगा कि मे बी उनको कंजक्टिवाइटिस का प्रॉब्लम है या फिर कोई और इश्यू हो सकता है, वॉटरी आईज का प्रॉब्लम भी था इसमें. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो सिम्टम है बेसिकली स्मॉग की वजह से है, जो कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, एंड पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि हम जो भी अपनी आईज को टच कर रहे हैं वो हमारे हाथ थोड़े से सैनिटाइज हो, क्लीन हो, और हम बार बार अपने जो गंदे हाथ है उनसे इचिंग ना करें अपनी आईज, क्योंकि दैट लीड्स टू मोर इन्फेक्शन. तो हम अवॉइड करेंगे कि अपने गंदे हाथों से आईज को टच ना करें. अगर हम बाहर गए हैं, एनवायरमेंट से एक्सपोज होके आए हैं, तो हम घर जाके एटलीस्ट एक बार अपना फेस वॉश करेंगे एंड आईज को बार बार टच नहीं करेंगे. मतलब यू नो इट्स सपोज टू रब योर आईज एंड राइट राइट. एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वॉटरी आईज हैं, इचिंग बहुत ज्यादा है और आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है या हेडेक हो रहा है उसकी वजह से, तो आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में किसी आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं. प्लीज डोंट अवॉइड इट. आप इसको ऐसे मत समझिए कि नहीं अभी ठीक है और वो आगे ठीक हो जाएगा. आप जल्दी से जल्दी किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट. Perfect. So I would continue this topic with throat infection. Right. So सबसे ज्यादा आजकल जो लोगों में प्रॉब्लम हो रही है, that is persistent cough. Persistent cough is you are coughing, but after taking medication also that is not going. So guys, I would just request you not to stick to the old formula of taking honey, warm water, gargling and all. Right. This could be because of a throat infection. Definitely. So because of this severe pollution status that we have reached into, this could lead to upper respiratory tract infections. मैं आपको बताती हूँ what upper respiratory tract infections are. They could lead to pharyngitis and all. Tonsillitis हो सकता है आपको, pharyngitis हो सकता है, जिसके कारण जो कफ आपको हो रहा है वो जा नहीं रहा है. That could be sneezing. That could be like it can also lead to allergic rhinitis, जो आप लोग बात कर रहे थे, आँखों में जो problem हो रही है. That could be watery discharge from your eyes. Watery discharge from your nose, and that is allergic rhinitis. Okay. For that, you need to consult a doctor, take proper antihistaminics that we call anti-allergic drugs. Just don't stick to your home remedies of taking like putting a balm and taking honey and all. No, you need to consult a ear, nose and throat specialist for it. That is ENT specialist for this. Right, yes. Right. So guys, any problem regarding this, kyunki ye persistent cough ki problem bahut zyada ho rahi hai, just call us on 8010994. Please do not hesitate. We are there to help you out. Definitely, definitely. And हम क्रेडी हेल्थ आपको ये जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये कंटिन्यू करें. ऑल्सो हमारे पास कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आए हैं, मैं वो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू डॉक्टर दिशा. A lady named Prasanna has asked a question. So she has this problem breathing during some months, and suddenly when she breathes, she can't inhale fully. Okay. So she can only inhale a certain amount of air, or else her lungs will hurt. She is 23 years old, and no one in her family has any breathing issue. Okay. So her question is, does she have asthma or anything? Please suggest. Okay.
सो थैंक यू मिस प्रसन्ना फॉर योर क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके जो भी सिम्टम्स आपने शेयर किए हैं, लाइक आपको वॉटरी आइज है, थोड़ा सा कंजेशन है, कफिंग है और थोड़ा सा माइल्ड फीवर भी आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले एक किसी नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. बिकॉज आप किसी पल्मो के डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, कुछ इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट करवाते हैं वो, लाइक जैसे पीएफटी हो गया, पल्मो फंक्शन टेस्ट, उससे एटलीस्ट हमें एक क्लैरिटी आती है कि ये लंग्स में कोई प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल फीवर कोल्ड कफ है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमें कफ और कोल्ड फीवर के साथ भी होता है, एंड कॉमन कोल्ड टेक्स एटलीस्ट 5 days. ठीक है, तो 5 days में अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वी शुड गो फॉर सम इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट. उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी एंड उसके बाद जो डॉक्टर हमें जैसा एडवाइस करते हैं we can follow that. Okay, thank you so much Dr. Disha. I hope Prasanna आपको answer मिल गया होगा. And अभी भी अगर आपको कोई doubt है तो आप Credihealth पे request raise कर सकते हैं. So there is another question. Okay, this question is for me. A person named Amit has asked this question and he is asking, can you suggest ways to protect oneself from cold cough and viral infection? Sure, Amit. So basically, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी viral infection, cold या cough होता है, so best way is to avoid. You should make a sensible distance because ये बहुत communicable disease है और ये बहुत easily spread होता है. So those who are having cough and cold in your family, try to make a sensible distance. Otherwise, अगर आपको problem हो रही है sneezing की, so you can cover your, of course, whenever you sneeze, you can cover your mouth with your elbow. Otherwise, you can use tissue and all. Hygiene is the best way to prevent these things. So क्योंकि जहाँ पे स्वच्छता है वहीं सुरक्षा है, of course. Other than that, you can add phytochemicals in your diet because this all these colorful vegetables, fruits can help to boost up your immunity. And immunity is the solar system of our body, of course. Right. And other than that, aerobic exercise can help. And all those smokers who's watching this video, say no to smoking. Yeah, say no to smoking. We already have a lot. Yeah, exactly. Yes. This may cause, this can lead you to harmful disease, of course. And also, I want to add that somebody who's a smoker, yeah, like this pollution is going to harm you more. Right, it can right. either cause bronchitis or not. Right. So, Amit, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा. और अगर अभी भी कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल अस ऑन 8010994994. Another question that we have, this person, and she is a lady. Her name is Reena, and this question is for you, Dr. Disha. Okay. She is 29 years old with asthma, and she is 3 months pregnant. Okay. So she is asking, will her child also will be having asthma when he or she is born? Okay. Hi, Mrs. Reena. Thanks you for your question, and I would like to tell you कि जब initially 3 months की pregnancy है, और अगर हमें asthma detect हुआ है, and we came to know कि हम asthma के अंदर हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप जहां पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑप्शन गाइनी डॉक्टर को, सबसे पहले आप उनसे एक रेगुलर चेकअप करवाएं. दूसरी चीज ये मैं आपको बताना चाहूंगी, 90% केसेस में ऐसा नहीं होता कि अगर हमें अस्थमा है तो हमारे बेबी को भी अस्थमा होगा. राइट. Yes, can transmit to a mother who is pregnant to the baby. Yeah, but very very few chances. Okay. Yeah, okay. And ये रिस्क तब होता है जब प्रेगनेंसी 26 वीक्स के अराउंड टच करती है. Initially हम इसको क्योर कर सकते हैं. So people have a lot of people ask that I'm conceiving and does my baby can have asthma or not? So is it so? Is it connected? Yeah, it is connected. But if patient is having medication and she came to know of the initial stage, we can cure it. There is no problem with that. That baby can also have. Just consult your gynecologist. Yes, and she will give you the medication accordingly, and we can cure it. No problem with that. Wow, thank you, Dr. Disha, and thank you for this valuable thing. Another question we have, this guy name is Nishan, and he is asking, he has two small kids at home who keep playing in the park and grounds, and recently his 11 years old daughter had some problem in breathing. Okay. It subsided within 2 minutes, but his concern is this happening because of pollution or should he see a doctor? So first of all, hi Nishan, I would just like to tell you, yeah, you should be concerned because this she had breathlessness for 2 minutes and then she was okay. There might be that she was playing with the kids around, yeah, so right. Might be the reason. But to be on a safer side for your child, I would suggest you to consult a pediatrician because this breathlessness can be because of the pollution, can be because of some respiratory distress. Right, so better get the PFT and all the tests done and be on a safer side. Right. There's another question for you, Dr. Drishti.
This question has came from Ravindra Dabiru. Okay. And he is asking, due to cold, my ears are blocked. What do you suggest? Yeah, so for you, sir, I would suggest to consult your doctor as early as possible, because this blockage would be connected with your like upper respiratory tract thing. Yeah. Please consult your doctor earliest as possible. And don't just rely on your local medication and whatsoever. Consult your nearest doctor, or you can just ping us on where do you like stay, or your number, we can help you out consulting a doctor nearby your area. Definitely, and I request you not to put anything inside in your ear, just request us on 8010994994, and or you can land on to our Facebook page. We can help you out there also. So you can share your contact number and your name, so that we will approach you from our side and we'll definitely you can just drop us down and we are going to call you and help you out. And I would really want you to know that we are not providing help only in Delhi but other cities also. And we have this fancy discounts up to 50%, so we can help you in BLK, Medanta Hospital, Fortis Hospital, not only in Delhi but also Bangalore, Mumbai, main cities. Anytime you feel any difficulties, you need any sort of assistance, you can ring me up. Thank you. Alright guys, take care. Thank you for watching. Bye-bye.